मुंगेली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑयल डिपो का खुलासा किया है, जिसमें महादेव लुब्रिकेंट सरगांव के ऑयल मिलावट कर रहे एक आरोपी सहित तीन टैंक व 31 लाख की नकली ऑयल भी जब्त की है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मुंगेली एसपी पारुल माथुर को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि जिले में ऑयल में मिलावट करने का खेल चल रहा है। ऑयल डिपो की आड़ में इस तरह का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, लिहाजा उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर लगाकर सूचना एकत्र करने के निर्देश दिए। इस बीच पता चला कि महादेव लुब्रिकेंट ऑयल डिपो में पेट्रोल में अन्य केमिकल की मिलावट का खेल खेला जा रहा है। एसपी के निर्देश पर टीम ने ऑयल डिपो में दबिश दी। डिपो में तीन टैंक खड़े थे, जिसमें एक टैंक में काला लिक्विड भरा था। आशंका जताई जा रही थी कि लिक्विड फर्नेंस ऑयल है, इसमें केमिकल मिलावट कर पेट्रोल में डाला जा रहा था। डिपो में चंदन कुमार साव नाम का युवक मिला। उससे पूछताछ के बाद पता चला कि उपेंद्र सिंह के साथ मुख्य आरोपी उमेश कुमार साहू है, जो भिलाई दुर्ग का रहने वाला है। उसके साथ मिलकर वह अवैध व्यापार संचालित कर रहा था। घटना स्थल से लगभग 20,000 लीटर ऑयल, तीन मोटर पंप, पाइप व केबल वायर भी जब्त किया गया है। मामले में आरोपी चंदन कुमार साव के खिलाफ धारा 41 के 1(4) और 389 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मुखबिर सूचना पर यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि सरगांव क्षेत्र में, जो कि हमारा हाईवे का क्षेत्र है, वहाँ पे एक महादेव लुब्रिकेंट्स के नाम से एक इलीगल ऑयल डिपो संचालित किया जा रहा था। इसमें हमने रेड करके, छापा मार के करीब 3 ऑयल टैंकर जब्त किए हैं, जिसमें भारी मात्रा में इंजन ऑयल, फ्यूल ऑयल और काला तेल की जब्ती की गई है। इसमें पूरा डिपो जो मालिक है उसका नाम उमेश साहू है, ये भिलाई 3 का रहने वाला है और वहाँ का निगरानी बदमाश है। उसके भी हमें वर्तमान में तलाश है, उसके लिए नाम घोषित किया गया है। फिलहाल महादेव लुब्रिकेंट में पुलिस ने दबिश देकर पेट्रोल में चल रही मिलावट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने डिपो से टैंक के साथ 20,000 लीटर ऑयल, तीन मोटर पंप सहित लाखों रुपए का माल जब्त किया है। जिले में चल रहे इस तरह के अवैध ऑयल मिलावट के गिरोह के एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता तो मिली है, मगर अब भी इस सरगना का मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। फरार आरोपी पर 5,000 का इनाम भी पुलिस प्रशासन द्वारा रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस गिरोह के मुख्य आरोपी को पकड़ने में मुंगेली पुलिस कामयाब होती है। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही इस गिरोह में लिप्त अन्य आरोपियों व इस गिरोह की फैली जड़ें साफ हो पाएंगी। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।